फर्दर लास्ट वो हमने जिस वीडियो में देखा चेकिंग मेथड, तो हम इसमें देखेंगे चेकिंग मेथड कैसे करना है। तो सबसे पहले ना ये क्वेश्चन है हमारे पास 81 और पावर्स की एन है और 35 माइनस 3 4 माइनस 1 एंड 2 43 डिवाइडेड बाय 9 पावर 2n एंड 3 की पावर 3। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन में आप सबको बताया आंसर इसका आता है 6, लेकिन पेपर में ये आंसर चेक करने के लिए हमें जो मेथड यूज़ करना वो हम वहाँ सीखेंगे। आप ना बस देखना, आप देखो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल हमारे पास क्या है, वेरिएबल एन है। इस पूरे क्वेश्चन में अगर हम एन की जगह कोई भी नंबर लिख दें तो आंसर हमेशा 6 ही आना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इक्वालिटी का रूल है। ये पावर ये हमें कौन बताता है, इक्वालिटी बताता। तो सिंपल ने याद रखना है, जब भी हमने किसी भी एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन को चेक करना है इक्वालिटी मेथड से, आप इसे कह सकते हैं कि ये एक इक्वालिटी मेथड है जिसे हम सारे आंसर चेक कर सकते हैं, किसी भी सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन का चेक कर सकते हैं, खाली चैप्टर 2 के नहीं कर सकते। तो आपने ना एन की जगह 1 0 1 और 2 के अलावा कोई सा भी एक नंबर लेना है और उसको एन की जगह पुट कर देना है। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये वाले 0.2 नंबर नहीं ले सकते, इसके अलावा जो मर्जी नंबर ले लें, ट्राई करें 1 डिजिट ही लें, बाकी ज़्यादा करने के ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो हम कहते हैं लेट कर लेते हैं कि एन हमारा क्या है, 5 के इक्वल है। एन जब हमारा 5 के इक्वल हो जाएगा तो इसको ब्रैकेट या कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार फिर, क्योंकि बाद में हम इसे कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लेंगे। तो लेट हमने कहा है एन हमारे पास 5 के इक्वल है, तो एन अब हमने कह दिया है 5। आपका ये जो क्वेश्चन था, अब ये किस तरह से बन जाएगा, ये बनेगा 81, जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे आप 5 लिख देंगे, 5 डॉट का तो मल्टीप्लाई होता है, 3 की पावर 5 एज इट इज है, -3 की पावर 4 एन की जगह 5 -1, क्योंकि एन 4 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, 243 और डिवाइड कर देना है इसको 9 2 मल्टीप्लाई बाई एन मल्टीप्लाई और तो 5 एंड 3 की पावर 3, और यहाँ भी बीच में बताया है मल्टीप्लाई है। तो ये चीज़ अब हमने कैलकुलेटर पे देखनी है। कैलकुलेटर पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले 81 है, तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट्स, क्योंकि अपने फ्रैक्शन चाहिए, तो ऊपर हम लिखेंगे 81 सॉरी, और ब्रैकेट क्लोज, पावर में एन है तो एन की जगह हमने यहाँ पे लिखना 5 5 आ जाएगा। अब हमने आगे इसको लेके जाना, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 3 की पावर 5, और आगे क्या करना है, हमने इसमें से माइनस करना है 3। अब ब्रैकेट्स ना इसके अंदर ही लिख लेते हैं, ओके। कैलकुलेटर को नहीं पता होता आपका डी मैथ्स रूल वगैरह क्या है, इसने वैसे सॉल्व करना है, तो हम ब्रैकेट्स यूज़ करके सिर्फ बताएंगे पहले क्या सॉल्व करना, बाद में क्या सॉल्व करना है। तो इसकी पावर में आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 मल्टीप्लाई बाय 243, और नीचे हमारे पास है 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये ब्रैकेट ऊपर नहीं लगानी, ये तो गलत हो जाएगा, पावर में ब्रैकेट नहीं है, नीचे ब्रैकेट, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पे आपके पास एन था हमने 5 करके एक्सपेक्ट ले, लिखना ज़रूरी नहीं है भाई, आप कैलकुलेटर पर लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेटर पर लिखा है इसको, कोई आपने स्टार्टिंग नहीं करनी। जैसे यहाँ पे लिखो 81 81 की पावर 5 आगे है, आपके पास 3 की पावर 5 -3 की पावर 4 -5 -1 मल्टीप्लाई 243 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। याद रखने, कभी भी ब्रैकेट आपने पावर के साथ नहीं लिखनी, ब्रैकेट नीचे होती है। जिसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाता है 6, जिसका मतलब है आपका आंसर ठीक है, कि आपने जो निकाला है आंसर भी आपका वही है।